दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूं प्रमीत और अब हम आए हैं स्कोडा के स्टॉल में, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड चलिए क्विकली आपको एक वॉक अराउंड दूंगा इस स्टॉल का, ताकि आप देख लें कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द स्कोडा रैपिड, ब्यूटिफुल कार, हेडलाइट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोजेक्टर है एंड पूरे ब्लैक्ड आउट है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है अंदर क्रोम का एलिमेंट मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रिल इज़ वेरी स्पोर्टी, बहुत अच्छा ग्रिल लग रहा है सामने से। यहाँ पे आपको फॉग लाइट, कॉर्नरिंग लाइट, प्रोजेक्टर फॉर द लो बीम, हाई बीम के लिए आपको नॉर्मल हैलोजन यूनिट दिया गया है। एंड साइड प्रोफाइल इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। आपको ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक बार आपको इंटीरियर में लेके चलते हैं, तो इंटीरियर्स देख लीजिए, ऑल ब्लैक्ड आउट, और आपको ये रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाएगी यहाँ पे सीट पे, जो कि स्पोर्टीनेस जो है गाड़ी का वो एनहांस करती है। एंड यू ऑल्सो गेट अ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो कि और भी ज़्यादा स्पोर्टीनेस एनहांस करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, दैट्स अ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर और बीच में MID स्क्रीन है। रियर सीट भी काफ़ी अच्छा है। तो ब्लैक आउट रूफ, बूट लिप स्पॉइलर जो कि एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ये बहुत अच्छा लगता है बूट लिप स्पॉइलर, स्पेशली कार्स जिनको सूट करता है, ये ब्लैक कलर का बूट लिप स्पॉइलर इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है। स्कोडा बैज, रैपिड बैज, एंड ये जो टेल लाइट है ये बहुत, मतलब ओवरऑल गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है। तो आइए अब चलते हैं इस पर। अगेन स्कोडा रैपिड, डिफरेंट कलर, लुक्स रियली अमेजिंग, लुक्स रियली स्पोर्टी इन दिस मैट कलर, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। जो ORVM है वो रेड है, आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं गाड़ी के दो साइड्स पे, और एक रेड कलर का बूट लिप स्पॉइलर मिलता है जो कि एब्सोल्युटली गाड़ी के लुक्स को जो है एनहांस कर रहा है। अब आते हैं इनके SUV पे जो कि है द स्कोडा कोडियाक, एंड काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है ये। तो आप ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ अंदर के, जो वहाँ क्रोम लग रहे थे, वो एक्चुअली DRL का ही काम करते हैं, एंड इस पर भी वो सेम सेटअप दिया गया है। बस इसका फॉग लैम्प जो है दैट इज़ ऑल्सो LED, फ्रंट ग्रिल एब्सोल्युटली मैसिव, यू गेट बॉनेट लाइंस, गाड़ी को और ज़्यादा मस्कुलर और बोल्ड अपीयरेंस देता है। एंड यू हैव अ ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, आप देख सकते हैं इसका जो सनरूफ है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। यू गेट अ फिशटेल एंटीना दैट्स काइंड ऑफ स्मॉल, थोड़ा छोटा है। रूफ रेल्स, अगर आपको लगेज माउंट करना है, कैरी माउंट करना है, तो आप इस पर जो है माउंट कर सकते हैं। दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ लगेज। जिस गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द इंटीरियर्स, सॉफ्ट लेदर मौजूद है चारों तरफ। यू गेट एम्बिएंट लाइटिंग, आई गेस देयर इज डिफरेंट, यू कैन चूज फ्रॉम एम्बिएंट लाइटिंग, आप चूज भी कर सकते हैं। डुअल टोन डैशबोर्ड, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, DSG गियर बॉक्स, एंड फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील नहीं है इसमें, और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। फुली डिजिटल क्लस्टर, पैडल शिफ्टर्स, स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स एंड द वर्क्स, देख सकते हैं आप ये जो सनरूफ है कितना बड़ा है, पीछे तक जा रहा है, खुलता पीछे तक नहीं है, खुलता आता ही है, लेकिन जा रहा है पीछे तक। पीछे भी बहुत ज़्यादा सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, और एक काइंड ऑफ बकेट सीट जैसे रेस सीट टाइप की लग रही हैं। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे यू हैव प्री लुकिंग टेल लाइट, आप देख सकते हैं यहाँ टेल लाइट में कुछ अंदर की तरफ ग्राफिक्स बने हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड दिस इज़ द टेल लाइट दैट लाइट्स अप, आई गेस दिस ऑल्सो लाइट्स अप व्हेन यू हिट द पेडल, और जब ब्रेक मारते तो ये लाइट अप होता है। रिवर्स लाइट इंडिकेटर, स्कोडा बैजिंग, एंड दैट्स अबाउट इट। सो एक दो गाड़ियाँ और हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नाउ दिस इज़ दी ऑक्टाविया RS, बेसिकली दी ऑक्टाविया VRS, ऑक्टाविया VRS बैजिंग, स्कोडा बैजिंग, एंड लुक एट दिस टेल लाइट्स, इनको देखिए आप ज़रा कितनी फ्यूचरिस्टिक टेल लाइट्स लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। डुअल एग्जॉस्ट, गाड़ी बहुत बहुत ही बढ़िया साउंड करती है, क्लोज टू 240-245 BHP ऑन दिस कार। एंड
Just look at the interiors. I mean, sporty interiors, flat bottom steering wheel, all. Look at these seats. सीट्स तो मतलब कमाल के हैं गाड़ी के, पूरी प्रॉपर स्पोर्टी बकेट सीट्स जिसमें कंफर्ट भी मेरे को नज़र आ रहा है कि सीट काफ़ी सॉफ्ट है. एंड DSG गियरबॉक्स, इसमें VRS की बैजिंग, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर. मैं गाड़ी चलाई हुई है तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी फास्ट कार है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट कार है ये. एंड VRS की बैजिंग हर जगह है. तो दिस इज एंड या डोंट फॉरगेट कार्बन फाइबर. सो कार्बन फाइबर का भी प्रेजेंस है गाड़ी में. दिस ब्यूटीफुल 18-inch अलॉय व्हील्स विद रेड कैलिपर्स. VRS बैजिंग आपको सामने मिल जाता है. एंड सी दिस एलिमेंट्स दैट आई वाज टेलिंग इनसाइड, दे एक्चुअली लुक लाइक क्रोम बट दे लाइट अप एक्ट्स एज अ DRL. सो यू गेट द DRL नीचे एंड प्लस इनसाइड. यू ऑल्सो गेट अ प्रोजेक्टर. नाउ द एंटायर लाइटिंग डिपार्टमेंट इज LED. यू डोंट गेट अ हैलोजन यूनिट एंड दैट्स रियली ऑसम, बिकॉज इन गाड़ियों में अगर हैलोजन यूनिट लगाएंगे इतनी पावरफुल कार तो एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है. एंड दिस इज अगेन द कोडियाक. एंड ये जो है दिस इज द न्यू सुपर्ब, दिस इज द सुपर्ब स्पोर्ट लाइन. बहुत चली है ये गाड़ी. एंड वन ऑफ द लग्जरी एग्जीक्यूटिव लग्जरी सेडान. बूट लिप स्पॉइलर बहुत अच्छा है इस गाड़ी का. इट्स अ प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट ऑफ रेड एंड ब्लैक. स्कोडा बैजिंग, सुपर बैजिंग, ब्रिलियंट टेल लाइट्स. यू कैन सी दिस गेट्स दिस रिफ्लेक्टर दैट आर इनसाइड जो कि एक मिरर की तरह एक्ट करते हैं. और एक्चुअली पीछे से काफ़ी अच्छा लगता है. यू गेट द टेल लाइट्स दैट आर डिजाइन रियली वेल. सनरूफ मिलता है, काफ़ी बड़ा सा सनरूफ है. पैनोरामिक नहीं बट ऑलमोस्ट बड़ा है. फिशटेल एंटेना इज प्रेजेंट ओवर हियर. एंड एंड यू गेट डोर इल्यूमिनेटेड लाइट्स, दैट्स एट स्कोडा. एंड सुपर्ब डोर सिल्स, एक्सेलेंट अमाउंट ऑफ सीट्स. नाउ दी सीट्स आर ऑल्सो बकेट सीट्स, रैक करता है, वेरी कंफर्टेबल. जैसे मैं बोल रहा था सनरूफ इतना ही खुलता है, देख सकते हैं आप. बट बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों. ये जो है स्पोर्ट लाइन है, फ्लैट ऑन स्टीयरिंग व्हील, ऑल द वर्क, सब कुछ मिलेगा आपको इस गाड़ी में. तो दिया दोस्तों ये थी स्कोडा की लाइनअप. और एक और गाड़ी वहाँ पे आप देख सकते हैं ढकी हुई है, वो हम लोग जल्दी कवर करेंगे. तब तक लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मैं